स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पति और पत्नी का डिवोर्स का केस चल रहा है या 498A का उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर उनके पास बच्चा भी है तो उस बच्चे की कस्टडी किसे दी जाएगी। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि अगर पिता है तो पिता अपने बच्चे की कस्टडी किस तरह से ले सकता है अगर माँ को माँ की कस्टडी में अभी बच्चा है। इस वीडियो में बच्चे की कस्टडी से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये आज के समय की सबसे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन जो होता है उसमें अगर थोड़ा भी अगर मतभेद होता है तो उसके बाद उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी एक समस्या है। वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ अगर आपको समझ में आए कि आप पूछना चाहते हैं या उस पर आपको जानकारी चाहिए, तो आप बाद में आप उसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जब पति पत्नी के बीच में कोई भी मतभेद होता है तो अगर दोनों का बच्चा नहीं है तब तो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम होती है वो कम होती है, लेकिन अगर आपके पास बच्चा भी है आपका और उसके बाद आप दोनों में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मतभेद होता है और बात इतनी बिगड़ जाती है कि वो बात अदालत तक पहुंच जाती है, तो इस स्थिति में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो किसे आती है? बच्चे को आती है, क्योंकि आप दोनों तो आपसी मतभेद में इतने ज़्यादा डूबे रहते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आप एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, बौछार आप करते रहते हैं और दोनों इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे हम अपने पक्ष को सही साबित करें, लेकिन आपको तब याद आता है बच्चे की कस्टडी के बारे में जब एक से अलग होता है बच्चा। जैसे हो सकता है कि बच्चा अभी पिता के पास हो या हो सकता है कि अभी माता के पास हो, तो जब आपको उस स्थिति में याद आता है कि हाँ बच्चा, ये बच्चा भी है, लेकिन आपको ये तो रहता है कि ये बच्चा भी है पर आपको ये कभी नहीं याद आता कि इस बच्चे के लिए हम अपने जो हमारा वैवाहिक जीवन है हम इसको सही कर लें या हम कहीं ना कहीं हम समझौता कर लें। आपकी फिर आपका क्या होता है कि अब इस बच्चे की कस्टडी लेनी है और उसके लिए आप जी जान से पूरी मेहनत करते हैं, पूरी आप अपनी ताकत डाल देते हैं कि कैसे भी करके कस्टडी आपको मिल जाए। नॉर्मली क्या है कि अगर हम 98% केसेस में देखें तो जो बच्चे की कस्टडी है वो माँ को ही दी जाती है, क्योंकि अदालत भी ये मानती है कि एक माँ से अच्छी देखभाल बच्चे की कोई भी नहीं कर सकता। गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट में भी अगर हम देखें या हम हिंदू लॉ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी होती है वो माँ को ही दी जाती है, क्योंकि 5 साल तक के बच्चे की देखभाल एक माँ से अच्छे तरह से पिता नहीं कर सकते, इसलिए जो 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी है वो माँ को ही दी जाएगी। कहीं कहीं एग्जम्पशन होता है जहाँ पर कि पिता को दे दी जाती है, जैसे कि माँ मंदबुद्धि है या वो बहुत ज़्यादा उसका नेचर ऐसा है कि वो कभी बच्चे को, छोटे बच्चे को भी वो मार देती है, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं जो कि बहुत चुनिंदा होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, तो ऐसे केसेस में 5 साल तक के बच्चे की भी कस्टडी पिता को मिल जाती है। उसके बाद फिर अदालत क्या करती है कि जो 10 साल तक के बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी के लिए अदालत उनकी इच्छा पूछती है, उनसे पूछती है कि वो किसके पास रहना चाहते हैं, तो बच्चा जैसा जवाब देता है अदालत बच्चे की कस्टडी को उसी हिसाब से माता या पिता को दे देती है। पर नॉर्मली केसेस में अगर हम देखें, अगर हम स्टडी करें तो हम देखेंगे कि माँ को ही बच्चे की कस्टडी दी जाती है। पिता क्या करते हैं कि अगर आप पति हैं और आपको बच्चे की कस्टडी लेनी है, तो आप आजकल क्या होता है कि जब भी एक पति को बच्चे की कस्टडी लेनी होती है तो बहुत गिने चुने आपके पास बातें रहती हैं जो आप जाकर के अदालत में बोलते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि पत्नी मंदबुद्धि है, आप बोलेंगे कि पत्नी बात बात पे गुस्सा जाती है, बच्चे को मारती है, या फिर एक आपका रीज़न ये होता है कि इसलिए कस्टडी दे दी जाए क्योंकि मेरी इनकम ज़्यादा और हम बच्चे की अच्छे से देखभाल कर लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जा करके आप अदालत को कारण बताते हैं, आप रीज़न बताते हैं कि इस वजह से कस्टडी दे दी जानी चाहिए। तो ये सारे ऐसे रीजन्स हैं जो कि हर कोई बोलता है, लेकिन ये कहीं सही नहीं होते, या फिर 1 से 2 केसेस में ऐसा होता है कि ये सही होते हैं।
तो जहाँ सही है वहां तो अदालत क्या करेगी कि तुरंत ही कस्टडी दे देगी बच्चे, बच्चे की कस्टडी पिता को दे देगी सारी जांच पड़ताल करने के बाद। लेकिन अदालत को भी पता है कि आप इस तरह के जो भी आप कारण लेकर के जाते हैं वो सारे गलत होते हैं। तो फिर ऐसे में यही होता है कि माँ को ही कस्टडी दे दी जाती है। इसलिए आप जब भी आप बच्चे की कस्टडी के लिए अदालत में जाइए, आप मांग करिए, तो आप कुछ ऐसे सबूत लेकर के जाइए जिससे ये पता चले कि आप अपनी अपने बच्चे की देखभाल अपनी पत्नी से ज्यादा अच्छे तरह से कर सकते हैं। अब वो सबूत आपको कैसे लेकर के जाने हैं, जैसे कि अगर बच्चा अभी माँ के पास है तो आपको सिर्फ बातचीत करते रहने चाहिए और अटैचमेंट जो है आपकी बच्चे के साथ वो कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर कह देगा कि उसे माँ के पास रहना है तो अदालत कभी भी उसको आपके पास नहीं भेजेगी। तो इसलिए आप अपनी जो अटैचमेंट है उसको बच्चे के साथ वैसे ही बनाए रखिए। उसके बाद अगर आपकी पत्नी सच में मंदबुद्धि है तो आप उसके जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हो, आपने कभी डॉक्टर को उसे दिखाया तो आप उसकी रिपोर्ट वगैरह सब लेकर के जाइए और जा करके आप अदालत में उसको पेश करिए। इसके अलावा अगर आपकी पत्नी हाई टेम्पर्ड है, जैसे बात बात में गुस्सा जाती है और बच्चे को मार देती है, तो इस तरह के आप सबूत आप इकट्ठे करिए। जिन जो लोग उसके साथ रहते हैं, साथ रहने वालों में उसके मायके वाले नहीं, क्योंकि मायके वाले तो कभी भी अपनी बेटी के पक्ष में बहुत कम ऐसा होता है कि विपक्ष में कोई बोले और ये बोले कि उसे वो हाई टेम्पर्ड है या अपने बच्चे को मारती रहती है। तो कुछ ऐसे लोग हों, कोई आई विटनेस ऐसे हों जो कि आपके अड़ोसी पड़ोसी हों, तो अगर वो लोग ये बात जा करके कह देते हैं कि हाँ आपकी पत्नी हाई टेम है टेम्पर्ड है और वो बच्चे के ऊपर हाथ उठाती रहती है, उसे मारती रहती है, अत्याचार करती रहती है, प्रताड़ित करती रहती है, तो अगर इस तरह की बातें अगर अदालत में जा करके प्रूफ हो जाती है तो बच्चे की कस्टडी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अभी हाल में ही मध्य प्रदेश का दो केस आया था जिसमें पिता ने अपने आप को पत्नी से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया और इतना सक्षम खुद को बनाया कि अदालत ने बच्चे की कस्टडी पिता को दे दी। दो केस था। पहला केस ये था कि जो पत्नी थी वो मैरिज ब्यूरो चलाती थी, मैरिज ब्यूरो चलाती थी तो वहां पर वो क्या करती थी कि लड़कों से ज्यादा पैसा लेकर के शादियां कराती थी। तो इस वजह से पति ने उसे डांटा और उसे ये बोला कि इस तरह का काम ना किया करे, लेकिन पत्नी को ये बात बुरी लग गई और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मामला अदालत तक पहुंच गया और वहां पर डाइवोर्स की बात वहां पे हुई और डाइवोर्स हो गया दोनों का। उसके बाद बच्चे की कस्टडी की बात आई, तो बच्चे की कस्टडी की जब बात आई तो पिता ने ये प्रूफ कर दिया कि उसकी पत्नी बच्चे को मारती थी, प्रताड़ित करती थी, इसलिए बच्चे की कस्टडी पिता को मिलनी चाहिए। अदालत ने बच्चे की कस्टडी पिता को दे दी। दूसरा केस एक और था जिसमें ये जिसमें कि पति पत्नी थे, पत्नी उनके दो बच्चे थे। कुछ समय बाद क्या हुआ कि उनकी पत्नी का अफेयर किसी दूसरे पुरुष के साथ चलने लगा। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया लेकिन उसके बाद भी उन दोनों के बीच में जो भी अफेयर वगैरह था वो वैसे ही कंटिन्यू था और लड़ाई झगड़ा होने लगा इधर पति पत्नी में। बात बढ़ी और बात कोर्ट तक गई। जब कोर्ट तक गई, दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया, बात आई बच्चे की कस्टडी की, तो पिता ने ये साबित कर दिया कि उसकी पत्नी का दूसरे से अफेयर है और वो अपने बच्चे को अच्छे से नहीं रख सकती ऐसी स्थिति में। अदालत ने इस पूरी बातों पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के साथ ही ये ऑर्डर किया कि बच्चे की कस्टडी पिता को दे दी जाए। तो ये कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि ये बताते हैं कि आजकल जो अदालत का रुख है वो पिता के पक्ष में बहुत ज्यादा हुआ है। पिता के पक्ष पर भी अदालत आजकल ध्यान देने लगी है और पिता को बच्चे की कस्टडी आजकल मिल सकती है, लेकिन आपको इस बात को प्रूफ करना होगा कि आप अपने बच्चे की देखभाल अपनी पत्नी से ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब पत्नी मायके चली जाती है तो बच्चे से बात करने से रोक देती है, मतलब कि पिता की बच्चे से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होने देती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं और लीगल नोटिस भेजने के साथ साथ आप चाहे तो आप अदालत में एक एप्लीकेशन भी दे सकते हैं कि बच्चे से बात नहीं करने दिया जा रहा है या बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा है। हाल में एक केस आया था जिसमें अदालत ने यह कहा था कि किसी भी पिता को उसके बच्चे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि लालन पोषण में जितना जितना हक पिता का माता का होता है उतना ही हक पिता का भी होता है। इसलिए ऐसा समय फिक्स करना चाहिए जिससे कि
समय समय पर बच्चा अपने पिता के पास भी रह सके और अपनी माता के पास भी रह सके, और बच्चे को हफ्ते में एक बार या महीने में दो बार पिता से बात जरूर करवाई जानी चाहिए। तो इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं कोर्ट के, वो ये बताते हैं कि आप अगर चाहें तो आप अपने बच्चे की कस्टडी भी ले सकते हैं, और आपको अगर रोका जाता है अपने बच्चे से बात करने से या फिर उससे मिलने से, तो आप इसके लिए भी आप पिटिशन डाल सकते हैं या फिर आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने बच्चे से कम्युनिकेशन को बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूला करिए, जिससे इस तरह की जो भी प्रॉब्लम, जो लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो आप एक शेयर कर सकते हैं, लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और किसी दूसरे टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।